नमस्कार दोस्तों, फास्ट एंड फंडा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बता के रखा है वेक्टर्स के बारे में, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो लोग जाकर देख लेते, क्योंकि वो आपका बेस है। उसके बाद आप वन डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, यानी कि काइनेमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद टू डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे हम आने वाले वीडियोज में। सो बांध के बैठ जाइए अपने धैर्य को और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और पढ़ाई शुरू करते हैं। नमस्कार, ठीक है, चलिए, रेडी, 1 2 3। दोस्तों, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशन मतलब क्या? देखिए, मैंने पिछले सब वीडियो में बताया था कि ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये टू डायमेंशन हो गया, ठीक। लेकिन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? या तो एक्स एक्सिस होगा या फिर वाई एक्सिस, यानी कि एक लाइन, कोई किधर भी जाए एक लाइन, वैसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, लेकिन वन लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, किसी भी एक लाइन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इधर मोशन होगा, इधर से हो या फिर इधर से हो, उसको हम लोग मोशन इन वन डी बोलते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस फ्रेम किसे बोलते हैं? दोस्तों देख लो, कोई भी अगर बॉडी है, अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये गाड़ी जा रहा है, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में ये गाड़ी इधर भाग रहा होगा, कोई वे वेलोसिटी से है कि नहीं जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस हो जाएगा, यानी कि इट इज द रीजन और जोन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर अ मोशन पैरामीटर ऑफ अ बॉडी। अब पैरामीटर क्या क्या हो जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इट कैन बी रेस्ट और मे बी मूविंग, और जो भी हम जो लेंगे रेफरेंस लेंगे, वो मूविंग भी हो सकता है या फिर रेस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब जा रही है तो भाई जा रही है, अगर उसको कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, आपको दिखाई देगा ना जी कि हाँ भाई ये ट्रेन आगे जा रही है, ये ट्रेन पीछे जा रही है, तो ये किसी एक दूसरे के रेफरेंस में हम किसी दूसरे का चेक करेंगे। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर के स्पीड से, तो यहाँ से पता चलेगा ना भाई, हाँ ये मेरे से दूर जा रही है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे इस पे खड़ा है, ठीक है, और ये गाड़ी ये 10 मीटर के स्पीड से जा रहा है, तो बताइए इस आदमी के लिए ये गाड़ी कौन से पोजिशन में है, रेस्ट या मोशन? इसके रिस्पेक्ट में क्या है भाई, रेस्ट में है, क्योंकि गाड़ी पे आदमी जो खड़ा है उसके साथ भी तो उतने स्पीड से चल रहा है ना भाई। लेकिन इसीलिए तो ये दोनों इसके रेस्पेक्ट में, यानी मैन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू ए, एक्स इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, समझ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। और वही क्या है ये बी वाला, बी एक्स इज एट रेस्ट। अगर यहाँ पे देखिए तो बी जो है ना, इसके रेस्पेक्ट में, ये गाड़ी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट में है। अगर गाड़ी के रेस्पेक्ट में नहीं मानिए, इसके रेस्पेक्ट में मानिए, ये 10 मीटर से जा रहा है, आपको पहले भी बताया था दो ट्रेन जाएगा सेम स्पीड से, सेम स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। ये बात हमेशा समझ के रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी जा रहा है, तो यहाँ समझ में आ रहा है रेफरेंस, यहाँ ए है और यहाँ से गाड़ी जा रहा है, यानी कि किधर, इससे दूर जा रहा है, यानी कि ए से ये दूर जा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 मीटर रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम ट्रॉली, ये भी देखिए यहाँ पे 1 मीटर से जा रहा है, इस पे आदमी बैठा है, अगर जो आदमी हम यहाँ पे रखे थे और इस पे बिठा दिए तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, अब आदमी इस पे बैठ गया, तो बैठ गया तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो गाड़ी हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। स्पीड ऑफ अ कार विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए ये वाला, स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए इन 3 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं, तो कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इज 2 मीटर पर सेकेंड। आप बताइए ये वाला जो जा रहा है, ये जा रहा है ना, यहाँ पे अगर अगर एक आदमी को यहाँ बिठा दिए, अब हम इसको चेक करते हैं, ये वाले को चेक कर रहे हैं, तो ये 1 मीटर से जा रहा है और ये 3 मीटर से जा रहा है, तो इसका रिलेटिव, यानी कि इस आदमी को क्या पता चलेगा कितना स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, 2 मीटर से, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 से आगे जा रहा होगा, क्योंकि 1 तो इसके साथ चल ही रहा है, कवर कर ही रहा है, हाँ, और 2 मीटर से ये आगे, 2 मीटर पर सेकेंड से ये आगे भाग रहा होगा, वही हमारा रेफरेंस है, ये समझ के लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं मोशन पैरामीटर्स।
मोशन पैरामीटर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने पैरामीटर अभी अभी बताया था आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइप, ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इससे थोड़ा आपका प्रॉब्लम जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अरे भाई क्या है इतना टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा मेरा तबियत भी खराब है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड, अगर मान लीजिए ये एक कोई पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो पाथ है वो डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन होगा यानी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से कौन कौन सा हो गया, तो वहीं हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है, यहाँ से ये वाला है हमारा डिस्टेंस और ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ए जा रहा है और यहाँ से बी तक आ रहा है, तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बता देते हैं। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन होगा लेकिन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा। भाई साहब आपको समझ में सब आना चाहिए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा पढ़ाना कोई मतलब काम का नहीं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको बता दें। एवरेज जहाँ भी दे दे वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपको पता भी होगा, पहले भी आपने एवरेज पढ़ के रखा होगा, उसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी बोले टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि ये T1 है और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये T2 टाइम हो जाता है, और ये हमारा पूरा टोटल क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, ये समझिए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों यहाँ पे बराबर हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। लेकिन अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से जब यहाँ तक आइएगा और यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 है यहाँ से यहाँ तक और L2 है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, L1 और L2 मिलके हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, तो L1 प्लस L2, और टाइम हम क्या निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ T2 टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो T2 माइनस T1 ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो क्या होगा, ये L1 है पूरा टोटल और L2 यहाँ है, तो L1 माइनस L2 ये वाला पोर्शन को हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा निकल जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 कर देंगे तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या निकाल रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एंड वेलोसिटी कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ है टी टाइम है, ठीक है, और यहाँ ये डिस्प्लेस किया हुआ है एक्स। अब यहाँ पे कुछ टाइम बढ़ा देते हैं, यानी डी टी टाइम, डी टी मतलब वेरी स्मॉल, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा छोटा टाइम अगर बढ़ाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ का हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, यानी कि अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है। तो वही अब हम बताने वाले हैं। तो एट द इंस्टेंट टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी गिवेन, यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वेक्टर में दिया हुआ है, ये वेक्टर में दिया हुआ है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा कि वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये हमेशा ध्यान में रखिए, अभी बहुत क्वेश्चन आने वाला है इस पे। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डी एक्स बाई डी टी, अभी दिखाएंगे कैसे डी एक्स बाई डी टी। फॉर अ गिवन मोशन इफ पोजिशन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का मतलब, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी फंक्शन दे दे, ठीक है,
कोई फंक्शन दे दे टी के टर्म में, उसका मतलब हो गया एफ ऑफ टी, यानी कि एक्स की जगह पे हम टी को पुट करेंगे। अभी देखते हैं, बताते हैं। देन द वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टाइम कर्व। अब कोई कर्व होगा, यहाँ पे ये पोजीशन है एक्स और ये हो गया टाइम, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप होगा, ये स्लोप हो जाएगा, यानी कि जो एंगल होगा ये स्लोप हो जाएगा, और यही स्लोप तो हमको देता है, क्या देगा, ये स्लोप हमको वेलोसिटी दे देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवेन एज एक्स का टर्म 4t⁴ - 3t² + 7t + 6। अब ये आपको पता चल रहा है कि x f of t क्यों था, क्योंकि यहाँ x इक्वल्स टू जो ये एक्सप्रेशन है इसमें t दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसको f of t कर दिए हैं। अब फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और वेलोसिटी क्या करेंगे, वेलोसिटी हम यहाँ पे निकालेंगे v इक्वल टू dx/dt। और dx कैसे होता है, जो पावर होता है वो पावर क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि पावर क्या हुआ, 4 4 जा 16, और एक पावर घट जाता है, ठीक। तो यहाँ टी टू दावर क्यूब हो गया, ठीक है, अरे और 4 4 जा 16, माइनस यहाँ हो गया। अब यहाँ के पावर, टी के पावर कितना दिया हुआ है, 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 1 घट जाएगा, यानी कि इसमें से -1 कर लेंगे, यहाँ से भी -1 कर लेंगे, और ये जो है ना इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और 7 है, 7 के पावर कितना है, 1 है, तो 1 - 1 करेंगे, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 हो गया, 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, टी टू दावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट का क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो हमारा ये करके हमारा इतना वेलोसिटी आ गया। तो चलिए हम आपको बता दिए इतना सारा चीज, ये नोट है जो कि आप अपना नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारा वेलोसिटी आ गया, अगर वेलोसिटी में हमें दिया रहेगा एफ ऑफ टी के टर्म में, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पोजीशन निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, वही चीज यहाँ दिया हुआ है। अब इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवेन एज इतना, वेलोसिटी दिया हुआ है इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी कि हमें एक्स निकालना है। तो हम अभी अभी बताए हैं आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब ये जो टी वाला जो टर्म हुआ था यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 सेकेंड पे हमें चाहिए तो 2 पुट कर देंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखिए क्या निकालना है, हमें पोजीशन निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लीजिए dx/dt, dx/dt को क्या बोलते हैं, वी ही तो बोलते हैं भाई साहब, वी ही तो बोलते हैं। अब क्या है, ये हमारा दिया हुआ है 3t² + 2, कहाँ दिया हुआ है, यह दिया हुआ है ना जी 3t² + 2, तो हमारा dx/dt दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और इसमें ऐसे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, अब ये dx इधर बच जाएगा, और ये वाला जो है ये सॉरी ये dt होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला टर्म आ रहा है ना, तो ये dt से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बताइए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x1 से x2, कोई एक पोजिशन होगा ना जी, x1 से x2 या फिर x2 से x1। तो हमारा ये लिमिट दिया हुआ, ये लिमिट है, ठीक है, ये लिमिट है। और लिमिट कैसे, अगर मान ली dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। किसी भी चीज का इंटीग्रेशन, अगर कोई भी इसका पावर 4 दिया रहेगा, इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं आप, 4 टू द पावर 5, यानी एक इसमें ऐड करना है और नीचे में भी वही लिखना है, यानी कि एक्स के पावर में 4 रहेगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में 5 हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यही करना है आपको, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कितना, x, और x में हम लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके और x2 तक, ठीक, x1 से लेकर x2 तक। और ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है, तो हमें पता ही है, हमने क्या बताया आपको कि ये जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² है तो क्या करेंगे, t² में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना पावर में 4 है तो 5 हो जाएगा, नीचे में वही 5 आ जाएगा। तो लिख लीजिए t² में 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर प्लस था तो प्लस करके हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसको थोड़ा रिवाइज करिए, ठीक है, मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादा हम बताएंगे यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी,
इसीलिए आप वहां पे जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारा वैल्यू आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। फर्स्ट क्या पुट कर लेंगे, ये जो हमारा है ना वन और टू, वन और टू से यहाँ लिमिट दिया हुआ ना, वन से लेकर टू तक, वन से लेकर टू तक पुट कर लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए वैसा ही, ये बॉडी मूव्स ऑफ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट। तो अब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। हमें तो मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है। अब 0 पे कहाँ से स्टार्ट हुआ उसे मुझे क्या मतलब है, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अब दिया हुआ है आपको क्या, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, मूव सेट इतना, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो कर लीजिए। अब ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, dx/dt आपको पता हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ से क्या करेंगे, ये dx रहने देंगे और dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और dt मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि हमें 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक का ही निकालना है। तो हमें इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपको नहीं आती है तो आप जाकर देख लीजिए थोड़ा सा आप, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं इंटीग्रेशन, तब तक आप बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम इसका निकाल लेंगे, ये देख लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आया था ना, मैंने बताया था वहाँ इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया कि अगर ये वाला dt जो है ना, यहाँ से यहाँ dt से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा, 1 से 1 तक चला जाएगा, और ये dt dt दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हाँ इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से करके हम, हमारा आंसर आ जाता है एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है t2 - t1, 1 सेकेंड आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकाल लिया और पता चलेगा कि हमारा आंसर भी आ गया। तो भाई साहब अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा के आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि सारी चीजें को बता दें ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में अगर चेंजेज हो गए, यानी v2 - v1 / t2 - t1, ठीक है, t2 - t1, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। वहां पे वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी क्या होता था, dx/dt होता था। dx/dt, dx मतलब क्या, dx मतलब पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम करते थे तो हमारा आ जाता था क्या, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग करते थे तो क्या आता था हमारा, हमारा आता वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको याद करने का है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। दिमाग में कैसे रखना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये काम करेंगे dx/dt करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा यानी ए निकलेगा, dv/dt करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और यहाँ से अगर हमको यहाँ जाना रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर एक्सेलरेशन दिया रहेगा हमको वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, और एक्सेलरेशन दिया रहेगा अगर फिर हमको पोजीशन निकालना पड़ेगा तो 2 बार इंटीग्रेट, एक बार इंटीग्रेट करेंगे जो वैल्यू आएगा फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वैसे ही अगर वेलोसिटी दिया रहेगा हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, उल्टा आने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे एक बार इंटीग्रेट करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ये सब चीजें आ जानी चाहिए, आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, उतार लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अभी देख लीजिए, समझ में आ रहा है, ए दिया हुआ है तो dv/dt। अब d2x का मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसको डिफरेंशिएट कर करेंगे हम, अगर पोजीशन यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला x का टर्म दिया था ना जी,
एक्स का टर्म दिया था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक बार हम डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी निकल गया, और ये वाले टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वाले टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसीलिए हमको उसको दो बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और दो बार इंटीग्रेट कर दिए, अगर एक्सेलरेशन दिया रहा, अगर दो बार एक्सेलरेशन अगर दिया रहेगा तो दो बार अगर इंटीग्रेट करोगे, दो बार, एक बार इंटीग्रेट कर दिए जो वैल्यू है आप उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा वी के टर्म में लाने के लिए। अब डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो वन हो जाएगा, इसीलिए वन के जगह पर डी एक्स बाई डी एक्स कर दिए। अब आपको पता है कि डी वी, ये डी वी मान लीजिए ये वाला टर्म डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी को क्या आपको बोलेंगे, डी एक्स बाई डी टी को हम क्या बोल रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी को क्या बोल रहे हैं भाई साहब, डी एक्स बाई डी टी को वी बोल रहे हैं। तो वी लिख दिए यहाँ पे और बच क्या जाएगा, डी वी और यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। ये रिलेशन को याद रखिएगा, कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा। क्या जरूरत पड़ जाएगा? वी दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, वी एक्स के टर्म में दिया रहेगा और एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन है, इसको याद कर लीजिए। इसको क्या करना है, आपको याद करना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, तो फिर मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्स स्लोप मतलब, यानी कि अब मान लीजिए कि कोई ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स और वी वर्सेस एक्स का, मान लीजिए वी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और इसका स्लोप क्या देगा हमको, क्या देगा भाई साहब, क्या देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये समझ में आ गई, समझना चाहिए आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सब चीज बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ए कैसा हो गया, ए को डीवी बाई डीटी कर देंगे या फिर डी टू एक्स, यानी दो बार डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पोजीशन वेक्टर को, तो हमारा आ जाएगा क्या, क्या जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला भी अगर टर्म रहेगा वी और एक्स के टर्म में रहेगा तो ए इक्वल्स टू वी डॉट डीवी बाई डी एक्स। ये वाला टर्म हम आपको बता दिए अभी, कैसे बताया है यहाँ पे, समझ में आया ना जी, क्योंकि हम डीवी बाई डीटी तो हमारा भी, ये हमारा एक्सेलरेशन होता ही है, और ए वन यहाँ इंटू मल्टीप्लाई में वन है तो वन की जगह पर डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, क्योंकि कट जाएगा तो वन हो जाएगा। और क्या करेंगे अब, इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला यानी कि डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख देंगे, भी, यानी भी लिख दिए और डी वी बाई डी एक्स बच गया, यानी कि एक रिलेशन हम फाइंड किए हैं। ये चीज को देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ए इज गिवेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी यूज इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, ए इज गिवेन एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी यूज इक्वेशन टू, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर फंक्शन में होगा तो हम ये वाला टर्म यूज करेंगे, ए इज गिवेन इन टर्म ऑफ वी, इधर वन और टू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ फॉर अ पार्टिकल इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू 3t³ प्लस 2t² प्लस 5t प्लस 6, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू वन। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या बोले थे आपको, पहले क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी होता है ना जी, डी वी बाई डी टी। लेकिन अब भी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पहले भी तो निकालेंगे तब ना डी वी निकालेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होता है ना जी, डी एक्स बाई डी टी। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल के हम भी निकालेंगे, देखिए भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पता ही नहीं है कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक माइनस हो जाता है, तो 3 3 9 हो गया, टी का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी के पावर में 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर 5 है, टी के पावर में 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब ये हो गया, ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, वी को अब एक बार और डिफरेंशिएट, यानी कि हम डी वी बाई डी टी निकालना है ना जी हमको, फिर वी हमारा निकल गया तो डी वी बाई डी टी करेंगे इसको, और इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसी को हम ए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 9 2 18, अब बचिए कितना, टी के पावर में 1, ये टी के पावर 1 है तो 0 बच जाएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। टाइम का 1 सेकेंड पर निकालना है तो 1 हम पुट कर देंगे टी के जगह पे, तो 18 × 1 हो गया, ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन वही होगा
चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टू इंस्टेंट इट एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी गिवेन एज, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी वी टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ ट्रक मूविंग 4 मीटर पर सेकेंड टूअर्ड साउथ, ठीक है, कोई ट्रक है मूविंग कर रहा है 4 मीटर टूअर्ड साउथ, हम मान लीजिए यहाँ पे है, साउथ कौन सा हुआ, ये हुआ ना जी 4 मीटर से। अब उसके बाद क्या बोला है, देन टेक अ टर्न टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ईस्ट टर्न ले रहा है, इधर ईस्ट है, अभी 3 मीटर पर सेकेंड से, इफ टर्निंग टाइम इज 10 सेकेंड, टर्निंग टाइम जो है 10 सेकेंड है, उसका जो पूरा टाइम हो गया वो 10 सेकेंड है, तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। अब क्या हो जाएगा ये बताइए, अब यहाँ से यहाँ आएगा तो कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पर मान लीजिए ये आई है और ये जे है ना जी, तो जे माइनस जे वाला टर्म में आ रहा है, वेक्टर के फॉर्म में है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग से लगाइए, -4j इधर, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो टर्म इधर जा रहा है तो क्या होगा 3i हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें से क्योंकि ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तब वी टू माइनस वी वन हो रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही जो फॉर्मूला है वो वेक्टर के फॉर्म में, कंफ्यूज मत होइएगा, वेक्टर और मैग्नीट्यूड वाला चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में दिया होता है इसीलिए हमने वेक्टर के फॉर्म में किए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3i माइनस -4j, ठीक है, यानी कि जो दूसरा है वी टू माइनस वी वन हो गया है, बट टाइम में 10 दे दिए, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम वेक्टर में समझाए थे कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे, और इसका जो आएगा वो 5 आया, उसको 5 बाई 10 कर देंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड से ये हो गया। अब इसका एंगल निकालेंगे, अब मान लीजिए ये एंगल निकालेंगे ना जी, टैन थीटा निकालेंगे तो 4 बाई 3 53 डिग्री, 53 डिग्री किधर से आ रहा है, अब ये है तो मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तब यहाँ से इसको इसको शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अब मान लीजिए शिफ्ट कर देंगे तो ऐसा डायरेक्शन एक होगा ना जी, डायरेक्शन वह होगा तो यहाँ से निकाल लेंगे 53 डिग्री हो गया, 53 डिग्री किधर जाएगा, डायरेक्शन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ ही से जाएगा ना जी 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ में आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब आगे एक और चीज देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ अ कार एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एट ए इक्वल टू इतना, एक्स के टर्म में दे दिया है भाई साहब, आप देखिएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ए के टर्म में, एक्स के टर्म में, ए और एक्स के में रिलेशन, आपको वो वाला फॉर्मूला याद है वी डी वी बाई डी एक्स, याद है ना फॉर्मूला ए इक्वल टू, ठीक है, तो वो वाला फाइंड द वेलोसिटी पार्टिकल व्हेन इट इज एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर गिवन दैट द इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 मीटर राइट, तो विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए अब क्या कर रहा है कि टी इक्वल टू 0, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, एक्स इक्वल टू 1 मीटर, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 मीटर यहाँ बढ़ चुका था, ठीक है, अब वेलोसिटी उसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन थी वी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स करना है हमको, अब हमारा क्या दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना जी, है ये वाली इक्वेशन, तो चलिए अब डी एक्स को हम इधर कर देंगे, डी एक्स हम इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वी वी और डी वी हो जाएगा, ठीक है, वी डी वी हो जाएगा, तो हमारा वी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से V तक जाएगा, हमको निकालना कितना है वेलोसिटी, तो निकालना है 2 से कोई एक वेलोसिटी तक पहुंचेगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो वी का पावर कितना है 1 है, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो V² बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, V² बाई 2 और 2 से लेकर V तक जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये 3 मीटर तक जाना है इसको, ठीक है, ये हाँ वेन इट इज एट 3 मीटर, अब 1 मीटर से शुरू किया है तो 1 से लेकर 3 तक इसका लिमिट होगा, जा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, इसका क्या करेंगे, इसके पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, बाई में 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 3 से कट जाएगा 2, तो 2 x³, फिर इसका x के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा,
और ये 5 है, 5DX, 5DX होता है, तो यहाँ पे 5DX होगा ना जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5X हो जाएगा यहाँ पे 5X, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे माइनस, एक बार इसको पुट करेंगे v² / 2 हो जाएगा, एक बार 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2² यानी कि 4/2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कर लेंगे इसको, फिर वैसा ही एक बार 3 वाले को पुट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, एक बार 1 वाले को x की जगह पे पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा v का रिजल्ट आ जाता है। ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप देख लीजिए इसको आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा उसका इक्वेशन भी बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए आप। अ पार्टिकल मूव्स विद एक्सेलरेशन गिवन एज a = 8t + 6 m/s², ये इसका यूनिट होता है m/s². फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 3 s इफ एट t = 0। ये देखिए, ये फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट t = 3 s इफ t = 0, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जब 0 पे था तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्पीड कितना था, 1 m/s। चलिए u का वैल्यू हमको पता है 1 m/s, t 0 पे वो 0 पे 0 पोजीशन पे था, अब t = 3 s पे हमको पता करना है कि वो कहाँ पहुंचा, और a का वैल्यू हमें दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, a अगर दिया रहेगा हमको पूछ रहा है पोजीशन, पोजीशन पूछ रहा है ना जी, तो इसको 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार हमको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए ए का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, dv/dt हम आपको बता रहा है dv/dt, अब इसको क्या करेंगे, यानी कि यार dv/dt = इतना दे दिया, ये ए है ना जी dv/dt, अब इसको इधर से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1 से लेकर v तक, v पोजीशन तक, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा 1 से क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 1 है और v हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट होता है ये इनिशियल देते हैं, तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले, वेलोसिटी इंटीग्रेट करके, भाई साहब आपको इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा, हमारा वीडियो देख लीजिए, इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, तो यानी कि वेलोसिटी हो गया। अब dx निकालना है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी हमको पता हो गया, dx/dt क्या है, dx/dt हमारा क्या है, वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी ही तो है dx/dt, और इसको क्या कर देंगे हम, ये वाला जो इक्वेशन लिख देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमको 0 से 3 सेकेंड तक निकालना है, 0 से 3 सेकेंड तक निकालना है ना जी, यहाँ क्या निकालना है, 0 से 3 सेकेंड तक निकालना है, ठीक। तो अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ये x है, x हमारा हो जाएगा और इसका लिमिट 0 से 3 सेकेंड, जब ये वाला है ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 0 से 3, फिर 0 से 3 t में पुट करेंगे, ये वाला जो t निकाल रहे हैं वहाँ पे लिमिट डाल देंगे, और इसका और इसका 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 तीनों का हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम आपको हमारे वीडियो में जाकर देख लीजिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। ये dx है, ठीक है, dx dx है, तो कितना हो जाएगा dx, यहाँ 0 से लेकर, यहाँ 0 से लेकर और x तक लेकर चले जाइए, क्या दिक्कत है, 0 से लेकर x तक, तो x का वैल्यू हमारा मिल जाएगा लिमिट डालिए तो। चलिए दोस्तों, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन v = 5 e^2, इतना e^4 है, ठीक है, m/s। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन कौन से, यहाँ देखिए 2 सेकेंड 2 4 सेकेंड, ठीक है, तो गिवन t = 0 x = 0 दिया हुआ है हमें, t1 है 2 सेकेंड और यहाँ पे t2 दिया हुआ है 4 सेकेंड, इसके बीच में हमको निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, तो चलिए हम देख लेते हैं e^2 क्या दिया हुआ है, ये e^4 दिया हुआ है, e^t दिया हुआ, ठीक है, e^t दिया हुआ। अब इंटीग्रेशन e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, e^x ही होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमारा e^ अगर t दिया हुआ है, v = e^t दिया हुआ है, तो क्या होगा, t1 हमारा 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 - v1/t2 - t1, Δv/Δt। अब देखिए Δv/Δt करेंगे तो क्या होगा, 5 e^4 - 5 e^2,
ये वेलोसिटी ही है, तो इसी टी के जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, एक जगह पर 4 पुट करेंगे, एक जगह पर 2 पुट कर देंगे, और यहाँ कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x2 - x1। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1, t2 - t1। अब तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये वी है, सॉरी ये वाला जो वी दिया हुआ है, अब हमको वेलोसिटी से हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी से हमको एक्स निकालना है। तो dx/dt क्या होता है, वी तो होता है ना जी, और dx/dt जब वी होता है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से x तक ले जाएंगे, और यहाँ से क्या ले जाएंगे, 0 से 2 तक ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा x = क्या है, ये देखिए x = जो हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए x, और जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5 है तो 5e⁻ ही रहेगा इसका इंटीग्रेशन, और इसमें हम पुट कर देंगे ये वाला, एक बार 0 पुट करेंगे, ये t है ना यहाँ पे t, तो 2 है, ठीक है, तो इसमें 2 पुट करिए, एक बार यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई टी है, इस पे 0 पुट करिएगा e, तो क्या हो जाएगा, ये 1 वैल्यू हो जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जब 5 हो जाएगा तो x1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब एक बार और यहाँ से सेम चीज करना है, अब x2 पोजीशन निकालना है, तो x2 पोजीशन कहाँ निकालिएगा, 4 सेकंड पे निकालिएगा, ये x1 पोजीशन कहाँ निकाल रहे हैं, एक 0 से x1 निकाल रहे हैं, तो कौन से सेकंड पे, 0 से 2 सेकंड तक निकाल रहे हैं। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है भाई, अब 4 सेकंड पे निकालना है आपको, 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे इतना आ रहा है आपको इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसको माइनस कर दीजिए 4 - 2, और आ गया ये वाला आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। देखिए ये इतना आसान है, बहुत ही आसान है ये, अब वैसे भी बना सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड है, बहुत ही आसान है इसके, देख लीजिए dx दिया हुआ है, dx कैसे निकालेंगे, 2 से लेकर 4 तक, 5e⁻, कैसे dx कैसे निकाल रहे हैं, dx/dt, ये बहुत ही आसान तरीका है, dx/dt क्या दिया हुआ है, 5e⁻ दिया हुआ है ना जी, तो ये टी इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डीएक्स से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे ना जी, 4 सेकंड तक, यहाँ समझ लीजिए ये क्वेश्चन, पहले देखिए कहाँ तक निकालना है, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, तो v2 - v1, एक बार 4 पुट करेंगे इसमें, एक बार 2 पुट कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, और नीचे में टोटल टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, 4 - 2, ठीक है। और वैसे ही आप वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला मेथड लगा लेंगे, 2 से लेकर 4 तक दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, इस साइड से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन आपको नहीं आ रहा है तो आप जाकर मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत ही मजे से आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे एनालिसिस ऑफ मोशन विथ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए आप पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बाय बाय।